हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता को लेकर। वेदांता आप लोग देखोगे 1 से 1.25% के आसपास टूटा आज के दिन, और मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आप भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हों तो आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। स्टॉक 463 रुपये के भाव में क्लोजिंग लिया है। 1,23,00,000 के आसपास की वॉल्यूम हमें इसमें देखने को मिली है। तो आगे की कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह वो देखेंगे, चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ मोमेंटम बन रहे हैं इसके अंदर, और खबर क्या है चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी ने मार्केट क्लोजिंग के बाद एक नोटिस पब्लिश किया है 2 सितंबर के दिन। NSE और BSE की साइट पर आप लोग हो सके तो इसका चेकआउट कर सकते हो भी जाकर। तो यहाँ पर देखोगे आज इसकी बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग का आउटकम जो ना भी आ चुका है, ठीक है। तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में बताया कि ये जो ना भी टोटल 7,821 करोड़ रुपये जो ना भी अपने निवेशकों को बांट रही है बोनस के रूप में, यानी कि प्रत्येक शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बनेगा भी 20 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने थर्ड इंटरम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है जो कि रहेगा भी 20 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि प्रत्येक शेयर के ऊपर आपको 20 रुपये मिलने वाले डिविडेंड के रूप में, और इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है 1 रुपये भाई। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंस किया, और इसकी जो डेट रहने वाली है रिकॉर्ड डेट वो कंपनी ने तय की अभी 10 तारीख की, ठीक है। 10 तारीख मंगलवार के दिन जो है कंपनी ने इंटरम डिविडेंड की डेट अनाउंस की है। और ये जो पे होगा भी देखो जो भी रूल एंड रेगुलेशन है लो है, ठीक है, उसके हिसाब से जो कंपनी है वो जल्द से जल्द पे कर देगी भी ये जो डिविडेंड वगैरह है। तो बस ये टोटल अपडेट्स अभी, और इस अपडेट्स के बाद स्टॉक में कैसा मूव आ सकता है चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो पीछे वेदांता में हमें काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी, बट अभी के टाइम आप लोग देखो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अभी एक फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के बाद इसके चांस रहेंगे ऊपर में फिर से आप लोग देखोगे भी 505 रुपये के आसपास जाने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट मैंने पीछे बोला था आपको 404 रुपये के आसपास का सपोर्ट था, बट अभी के टाइम जो सपोर्ट लेके चलना चाहिए यहाँ पर वो रहेगा भी इस लेवल के ऊपर जो है 448 रुपये के आसपास का। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, 448 रुपये का सपोर्ट और ऊपर में चांस इसके रहेंगे भी 505 रुपये के आसपास जाने के। तो ये इसके लेवल बन रहे हैं। और इसके अलावा कुछ पूछना आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो स्टॉक है पीछे आप लोग देखने एक यहाँ पर गैप दिया, तो ये जो गैप आया इसके अंदर ये एंट्री के लिहाज से बहुत ठीक था, ठीक है। इसके पहले भी स्टॉक में आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा गैप बना था इस टाइम पर, ये देखो, और ये गैप काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन अभी के टाइम आप लोग फिर से स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी है और स्टॉक अपने उस हाई को भी ब्रेक कर चुका है अभी के टाइम देखोगे तो। 440 रुपये के आसपास का सपोर्ट ठीक रहेगा अभी इस भाव के ऊपर। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर बनाते हो। तो 440 का नीचे में सपोर्ट और ऊपर में टारगेट रह सकते हैं इसके 500 रुपये, तो 500 रुपये प्लस जाने के चांसेस हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।